ठीक है में एक यूपी रजिस्टर्ड व्हीकल पीगो कार का जब चेक हो रहा था तब उसमें पता चला कि एक सीक्रेट कैबिनेट है जो कि लॉक था। तो पूछने पे उनमें से तीन पर्सन थे जिसमें से एक तीनों यूपी के थे, उन्होंने बताया कि इसमें व्हीकल में कुछ कैश है। तो उस गाड़ी को अम्बासा थाना लाया गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बुलाया गया, सबको SDPO साहब आए और रिकॉर्डिंग में जब उसको खोला गया तो उसके अंदर 2000 के नोट मिले जो कि टोटल अमाउंट 56 लाख है। पूछने पे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल रहा है कि ये 2000 के नोट एक्सचेंज करने आए थे, इनका कोई ज्वेलरी का बिजनेस है जो कि यहाँ अगरतला में भी है, यूपी में भी है। तो वो बता रहे हैं कि वो घूमने आए थे, उस साथ जो कि ये 2000 के नोट बंद हो रहे हैं तो उसमें ये एक्सचेंज करने का कोशिश कर रहे थे। तो अभी तक इनिशियल इन्फॉर्मेशन यही मिला है, बाकी जानकारी अभी ली जाएगी, अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है एक्चुअली। सर अगरतला में कौन सा ज्वेलर्स है, नाम कुछ बताया? अभी इन्वेस्टिगेशन मतलब नाम पूछा, ज्वेलरी का शॉप है अभी, वो अभी हम पूछेंगे, अभी जस्ट हम लोग कैश सीज कर रहे थे। और अभी सर एक ऐसे तो इतने ज़्यादा नोट्स चेंज करना इलीगल है, एक आदमी 10 नोट कर सकता है। तो इनका कहना है इनके छोटे भाई का भी यहाँ बिजनेस है तो वो शायद उनका यूज़ करना चाह रहे थे। वैसे इतनी ज़्यादा नोट चेंज करना इसमें कुछ तो गड़बड़ है, वही तो हम इन्वेस्टिगेशन में पता करेंगे। और इसी में अभी इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्या एक्चुअल रीज़न क्या है। ये उनका कहना है कि हम बदलने के लिए ला रहे थे और अपने भाई से मिलने आ रहे थे। नाम क्या सर? इनका नाम है किशोर कुमार जो अरेस्ट हुआ है अभी। अभी तीनों को डिटेन किया हुआ, तीनों को अभी डिटेन किया हुआ है और वो उनको मौका दिया जा रहा है कि कुछ यदि डॉक्यूमेंट्स है तो प्रोड्यूस करें, नहीं तो हम IT डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करेंगे। थैंक यू सर।